पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला पेट है, या वो निकल आए तब मसला, आके कहते हैं इधर दर्द उधर दर्द, या वो फिर भरे ना तब मसला। और यही दो मसले जो है ना इस मुल्क को खा गए हैं। मैं भी जिम करके आया, ये मैं सारा नहीं खाने लगा लेकिन कम हेयर इधर है। व्हाट कुड बी दी हेल्दी डाइट रूटीन, मैंने नाश्ता क्या किया है, एग वाइट्स लिए और अब मैं लंच में ये लूँगा प्योर टिक्का, दैट्स इट। ये सैलेड मेरा इन्होंने मेहरबानी करके मंगा के रखा हुआ था कि अगर मैं टिक्का ना लाता तो, अब इसको हम कोई इवनिंग स्नैक में लेंगे या हो सकता है मैं रात घर जाके खाऊं। और ये वाली जो चीज़ है ये चने हैं, मोस्टली ये सारे चने हैं, ये सारे चने जो हैं इसमें दही के साथ चने हैं, फोकस करें, ये दही के साथ चने हैं सारे और ये चने मिक्स कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप दही में चने मिक्स करें प्लस ये हाई प्रोटीन डाइट लें और आप साथ ये सैलेड, अब ये सब्बे का जो सैलेड है इसको भी बनवाने का तरीका है, लोग इसमें क्या करते हैं, इसको बनवाते तो हैं पर इसमें मायोनीज़ डलवा लेते हैं, इसमें शुगर फ्री इनके पास सॉसेज होते हैं वो नहीं डलवाते, एक्स्ट्रा चीज़ डलवा लेते हैं। इवन सब्बे का बर्गर भी बनवाएं तो लोग ये गलती करते हैं, तो हाउ इस तरह ये डाइट को अनहेल्दी कर लेते हैं। अभी तो ये हेल्दी सैलेड, क्या क्या डला हुआ है इसमें? सर इसमें लेटस है, इसमें कॉर्न्स हैं, तो बताएं दिखाएं, हाँ की वेजिटेबल्स हैं इसमें, मतलब कि मैंने इनको यही इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि जब मुल्तान हॉस्पिटल इनको दिखाएं क्या तो क्या इसमें, ये देखें ये जो होता है ये लेटस होता है, ये ऑलिव्स हैं, ठीक है, हेल्दी फैट्स हैं ये, ठीक है, ये एलापिनो है, ये इसमें ये कॉर्न आ गई है, बाकी इसमें ये देखें ये जो शुगर फ्री सॉसेस सर बता रहे थे वही है, ये देखें नीचे इसमें सारा क्यूकम्बर है, ये चिकन सर का जो है फेवरेट तिरयाकी वो किया हुआ है, और अनियन वगैरह बस ये, और ये ऑलिव्स वही हैं जिनका हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। किधर पड़ा, ये पड़ा है, ये वही ब्लैक ऑलिव्स हैं जिनका ये हम ऑयल की बात करते हैं, यही वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इन्हीं का निकला हुआ ये तेल है, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, ये वही वो तेल है। लेकिन जब भी यूज़ करें पोमेस नाम का जो तेल होता है ना, इनमें एक दो वेराइटियाँ आती हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन और पोमेस, पोमेस इज़ नेवर गुड फॉर ईटिंग, तो उसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन को इस्तेमाल करें एंड ऑलवेज हैव हाई प्रोटीन डाइट। अब जो लोग कहते हैं जी पेट निकल आया, वो पेट तभी निकलेगा अगर आप डाइट को ख़राब करते जाएंगे, इवन मैं भी ख़राब करता जाऊँ तो मसला हो जाता है, आप एक्सरसाइज जो मर्ज़ी कर लें, फिर खाली पेट की एक्सरसाइजेस करने से पेट अंदर नहीं जाएगा, डाइट पे कंट्रोल रखने से पेट अंदर जाएगा। पेट पे बेल्ट का लगना, तंगी होना, वो बेल्ट के ऊपर से पेट का आ जाना, पेट में वट पड़ जाना, मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लोग मुझे हमेशा आके कहते हैं जी इधर दर्द होता है और पेट इतना निकला होता है, वो जो चर्बी में वट पड़ता है वो उसका। और हमारे यहाँ तो लोग बड़े फ़खर से कह देते हैं, वो एक कहावत है ना, जिधे पेट च वट नहीं वो बट नहीं, ठीक है ना, वो तो बड़े फ़खर से जो है ये बातें कह देते हैं कि जिनके पेट में वट नहीं वो बट नहीं, तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, हाउ दे कैन मेक देयर डाइट healthy। Dr. Afan Kesar signing off।